हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग आप लोगों ने थंबनेल से ऑलरेडी देख लिया है, तो आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी तीनों की वार्डरोब सेट करके दिखाऊंगी और कुछ कुछ मेरे फेवरेट कलेक्शंस भी आप लोगों को शो करूंगी इस व्लॉग में। तो चलिए फटाफट से आज हम लोग सब चीज़ों को सेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। गाइस, सुबह की शुरुआत हो गई है, तो मैंने सोचा सबसे पहले कि जितने भी विंटर कलेक्शन है उसको सबको मैं साइड पे कर दूँ, वापस समर का ले आऊँ, क्योंकि अब ठंड इतनी ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े हैं और काफ़ी दिन से मैं धो रही थी पर मैंने फोल्ड नहीं किया था, तो आज मैं सारा टाइम इन सबको फोल्ड करने में लगाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे भी इतना सारा फैला हुआ है, अब इन सबको मैं अलग अलग साइड पर लगाऊँगी, समर विंटर का दोनों को अलग अलग करके फिर उसके बाद इनको वापस से जगह जगह में रख दूँगी। यहाँ है और उस रूम में भी काफ़ी सारा है। गाइस, सच्ची में मेरी बहुत ज़्यादा बैंड बजने वाली है इन सबको क्लीन करने में, तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, एक एक करके एक एक साइड साइड लगाती हूँ। पहले जीन्स जीन्स एक साइड पे, सारे टी शर्ट्स में एक साइड पे कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको इससे पहले मैं अपना ही स्टार्टिंग करती हूँ जल्दी जल्दी करके सारा एक एक करके। सारी जीन्स जीन्स के सेक्शन मैं अलग अलग कर रही हूँ, जैसे लाइक कृष्णा का अलग रख रही हूँ, मेरी अलग और कैमी की अलग। गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है, कपड़े फोल्ड करते टाइम तो लगता है बहुत सारे कपड़े, और जब पहनने जाओ तो लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। इस चीज़ के लिए हमेशा मैं अपने हस्बैंड से डांट खाती हूँ कि ये फाइनल लुक है। तो गाइस, इतनी मेहनत के बाद फाइनली कुछ आवर्स के बाद ये मैंने सब सेट कर लिया था, सब साड़ीज़ एक जगह में, पार्टी वेयर ड्रेसेस एक जगह में, केविन के पैंट, मेरे जीन्स सब कुछ, और जो हैंग करने थे वो हैंग कर दिया, अलमीराज में सब सेट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आया, उन्होंने बोला चलो घूमने चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही मैं ये सब फोल्डिंग पे लग दी, उसके बाद हम लोग सारे बाहर गए। और मेरे को स्कूटी में जाना बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद हम लोग कैसे कैसे सारे सीन्स आप लोगों को दिखाते हम लोग पहुंच गए मॉनेस्ट्री, बहुत ही प्यारा है। इसका एक व्लॉग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और आप लोग भी जाके देखिएगा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को, यहाँ के अलग ही शांति मिलती है, काफ़ी सुकून मिलता है। मंदिर खास में बंद था अंदर की तरफ, लेकिन बाहर हम लोगों ने बहुत अच्छे से घूम लिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा आफ्टरनून टाइम में गए थे, अर्ली मॉर्निंग जाने से खुला रहता, तो उन लोगों का लंच टाइम हो गया था जो यहाँ पे बच्चे स्टडीज़ करते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग बाहर बाहर घूमे और फिर मेरे सारे फ्रेंड्स केविन सब लोग, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर आके। मैं ऑलरेडी घूम चुकी थी लेकिन इन लोगों ने बोला फिर से वहीं चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग घूमे नहीं हो तो सब लोग साथ में एक और बार चलते हैं, फ्रेंड्स के साथ तो अलग ही मज़ा आता है, आप लोग को भी पता है। उसके बाद वही मेरा पुरानी हैबिट, हम लोग थोड़ी रील्स वगैरह बनाए, कुछ टिकटॉक वीडियोज़ बनाए और उसके बाद मैं घर आई। मेरी फ्रेंड बोली अब टिकटॉक वीडियोस की बारी, तो मैंने कहा ठीक है, तो हम तीनों ने ऐसे ही स्लो मोशन ले लिया, बस वॉकिंग करके आ रहे हैं मिस्ट्री के इधर। कुछ प्लान नहीं था, सडनली वी जस्ट प्लान और यहाँ पर हम लोग आ गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़े उसकी अकाउंट में भी थोड़े से बना ली। उसके बाद हम लोगों ने पिक्स मैंने क्लिक करवाई और उसके बाद बैक टू होम।
घर आई, मटर पनीर बनाया, खाया, सबको लंच दिया और सो गई। और गाइस ये मैं आप लोगों को लास्ट में दिखा रही हूँ, आते वक्त रास्ते में एक बाइक के हेडलाइट के अंदर ही सांप उन लोगों को दिखा और ये मैंने कैप्चर कर लिया। जय हिंद, सी यू सून।